अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अफजाल अहमद ख़ान आप लोग के खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग के दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फाइनली गाइस, आज आपका भाई बहुत ही खुश है। क्यों 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 खुश है? इसलिए गाइस कि आपका भाई आज जा रहा है कोंट पार्क। तो अभी सुबह हो चुकी है और सुबह सवेरे सवेरे मतलब टाइम है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा इन सुराखों से आप लोगों को अंधेरा दिख रहा होगा। तो चलो गाइस, अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद अपने आप को तैयार करते हैं और फिर चलते हैं कोंट पार्क। तो आप लोगों को मैं आगे के ब्लॉग दिखाऊंगा और थोड़ी सी छोटी सी ब्लॉग होगी। तो चलो गाइस चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को मज़ा आए यार तो साथ में रहो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो चलो 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 चलते हैं, लेट्स गो। तो चलो गाइस, अभी हम लोग स्कूल से निकल चुके और ये बच्चे हमारे जा रहे हैं अभी वो कोंट पार्क की तरफ। हम लोग जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी हम कोंट पार्क जा रहे हैं। तो चलो अभी हम बाज़ार जा रहे हैं, वहाँ से इन लोगों को गाड़ी में बिठाना है। तो चलो तो बस गाइज, अभी हम पहुंचने वाले हैं। बस सिर्फ 5 मिनट का रास्ता ही रह गया है, बस अभी हम पहुंचने वाले हैं और जल्दी से इन लोगों को बिठाते हैं गाड़ी में, फिर आप लोगों को बाहर का व्यू भी दिखाते हैं। तो चलो, तो यहाँ पे हम सब गाड़ी में लोड हो चुके हैं, मतलब बैठ चुके हैं बच्चे और मैं भी बैठ चुका हूँ। तो चलो गाइज, अभी जो टीचर मिले थे वो लोग भी साथ बैठ गए थे और अभी हम जा रहे हैं कोंट पार्क। तो चलो गाइज चलते हैं और बाज़ार का व्यू आप लोग दिन के टाइम देख सकते हो कि बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है। और तो चलो चलते हैं गाइज, और इस सुबह के टाइम जब सफ़र करो यार, बहुत ही मज़ा आता है यार। तो भाई साहब, यहाँ पे रिक्शे वाले के साथ रेस चल रही है और भाई साहब अभी बस हम थोड़ा सा रास्ता रहते हैं, मतलब इतना नहीं रहता, अभी 1 घंटे का या इतना ही रास्ता रह गया होगा, बस थोड़ा सा दूर है लेकिन इतना नहीं है। तो गाइस, मैं आप लोगों को पूरा रास्ता नहीं दिखा पाऊँगा, थोड़े थोड़ी जगह क्लिप्स दिखा दूँगा आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी जगह के। और जिसने भी इधर इस जगह पे विज़िट की हुई है तो यार वो मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं जिसने यहाँ पर विज़िट किया। बहुत ही मज़ेदार जगह है गाइस, आप लोग जाओ और जा विज़िट कर सकते हो। ये जो जगह है कोंट पार्क, ये सुहाबी में अवेलेबल है, तो आप लोग आ सकते हो। तो चलो, तो भाई साहब यहाँ पे बच्चों ने शोर भी बहुत ज़्यादा उठाया हुआ है गाड़ी के अंदर, और इतना ज़्यादा शोर है ना क्या बताऊँ। और ये जो होटल है यार, ये बहुत मशहूर होटल है और ये अंबार के रास्ते पे आता है और ये बहुत ही मशहूर होटल है। तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं यार, ये पूरे सवाबी का बहुत ही मशहूर होटल है। तो यहाँ पर भी आप लोग विज़िट करो यार, बस ये 2-3 जगह अच्छे अच्छे यहाँ पर बस। तो फाइनली गाइज, आपका भाई यहाँ पे आ चुका है, मतलब आपका भाई और जो टीम है पूरी, तो वो आ चुकी है, मतलब बच्चे यार। तो हम सब आ चुके हैं कोंट पार्क, पहुँच चुके और एंट्री हो चुकी है अंदर कोंट पार्क की। तो भाई साहब आप लोग व्यू देख सकते हो यार, वहाँ पे सामने जानवर है यार, रियल जानवर है यार, और लोग भी आ रहे। इस टाइम सुबह सुबह का टाइम है ना यार, इतने लोग नहीं होते, असर के टाइम बहुत लोग होते, 4 बजे के टाइम से इतने ज़्यादा लोग आते ना, इतने ज़्यादा लोग के हद से ज़्यादा लोग आते यार। यहाँ पर समंदर से है ना, तो समंदर का जो व्यू है वो भी बहुत मज़े का होता है, तो इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादातर आते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी हम गाड़ी को पार्क करेंगे और पार्क करने के बाद बच्चों को उतारेंगे और अंदर घुसेंगे जहाँ पे झूले होते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे। तो चलो अभी गाड़ी को पार्क करते हैं। तो चलो, और आप लोगों को इस तरह लग रहा होगा यार, मैंने यहाँ पे आवाज़ चढ़ाई हुई है, मैंने सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड की है और उसके ऊपर मैंने आवाज़ चढ़ाई है वीडियो के ऊपर, क्योंकि गाइस गाड़ी के अंदर बहुत शोर था तो इसलिए इतना ख़ास आप लोग का आवाज़ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग की है, उसके बाद मैंने आवाज़ चढ़ाई ऊपर। तो चलो, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर करो। चलो, तो भाई साहब यहाँ पे हम झूलों वाली जगह पे इंटर हो चुके हैं और यहाँ पे बच्चों को देखो किस नवाबों की तरफ फिर रहे। तो चलो गाइस, कोई नहीं, इसमें इतना कोई हरास की बात नहीं है, और सब लोग अपने पास खेलने की सारी चीज़ें लाए हुए, कोई अपने साथ टेनिस लाए हुए और कोई अपने साथ बैट लाया, बॉल लाया, फुटबॉल लाया, सब कुछ चीज़ें लोग लाए अपने। और लोग भी है, अभी आप लोग देख सकते हो पूरी पूरी फैमिली आई हुई है यहाँ पर, और कितना प्यारा व्यू है यार, यहाँ पर अभी झूले है। तो चलो चलते, तो अभी यहाँ पे हमने झूले वाले मालिक के साथ बातें कर ली है। तो चलो, अभी बच्चे बैठ चुके हैं झूले में, और ये जो गोल गोल वाला झूला होता है यार, इसका नाम मुझे नहीं आता, या आप लोग आते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इन्हें चलो अभी घूम घुमाते, और इनमें बहुत लोगों ने उल्टियाँ भी की है, बहुत बच्चों ने, तो दिल इन लोगों के बहुत ख़राब हुए। तो चलो, हालत इन लोगों की बिल्कुल ख़राब थी, लेकिन शौक बहुत था इन लोगों का। तो चलो, तन मनी सी
पीछे गाइस आप लोगों ने गाना सुना है, तो वो जो था वो पुश्तो का गाना था। जिन लोगों को पुश्तो आती है तो वो समझ चुके होंगे, और सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया कि ये पुश्तो का गाना था। तो मैं भी पठान हूँ गाइस, तो मैं स्वाभी में पठान ही रहते सब। तो अभी बच्चों को गर्मी लग गई है, तो अभी इन लोगों को थोड़ा आइसक्रीम खिलाते हैं गाइस, और सीपीएन के साथ इन लोगों को भी हमने तरतीब बना के एक एक बच्चे को दिला रहे हैं आइसक्रीम, और इन सबको भी आइसक्रीम दिलाते हैं। तो चलो और पे इसे खाते हैं आइसक्रीम को। तो चलो तो भाई साहब ये है समंदर जो कि बिल्कुल सूख चुका है, और इसका जो बिल्कुल जो हालत ना बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सूख चुका है समंदर, बिल्कुल सूख चुके हैं। तो वहाँ पे किश्तियाँ भी खड़ी हुई है सामने, तो किश्तियाँ तो हमने नहीं ली, लेकिन समंदर के पास गए। लेकिन बहुत ही बेकार समंदर, इतना बेकार, इतना सूख चुका है ना समंदर, जो व्यू तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो मतलब जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो सारे कुंड पार्क इसलिए आते हैं कि समंदर के लिए आते हैं, जो कि इसका जो कुंड पार्क का जो मेन मज़ा है ना, वो कुंड पार्क में समंदर का ही मज़ा है। या समंदर ना होता ना यार, तो मैं कहता हूँ इसमें कोई आता ही नहीं इतना ख़ास। तो फाइनली गाइस बस अभी हम आ चुके हैं कुंड पार्क से, और अभी बस आ चुके हो, बहुत ही थक चुके हैं यार। अभी बस डायरेक्ट आते हो, व्लॉग को एंड करता हूँ, बस डायरेक्टली सो जाता हूँ यार, बहुत ही थक चुका हूँ। और अभी चलते हैं बस व्लॉग को एंड करते हैं यार, बहुत ही लंबा हो चुका है व्लॉग, मतलब इतना लंबा नहीं है, छोटा सा व्लॉग है यार, क्योंकि इतना मज़ा इतना ख़ास नहीं आया वहाँ पर। तो इसलिए जो कि वो जो समंदर था वो तो बिल्कुल सूख गया था, तो इसलिए इतनी इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। तो चलो गाइस बस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मज़ा आया तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और लाइक कर लेना इस वीडियो को। तो चलो गाइस अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, दूसरी वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।